हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वी हैव सम इंटरेस्टिंग क्रिस्प एंड कुछ सीरियस न्यूज़। तो आज हमारे चैलेंज का डेट 32 एंड लेट्स गेट बैक टू आवर न्यूज़। तो अपनी पहली न्यूज़ है गॉड लाइक की। तो रिसेंटली आपको पता है PMGCU स्टार्ट होने वाला है एंड अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि गॉड लाइक का स्लॉट हमें PMGCU में देखने को मिल सकता है। बिकॉज जैसा कि आपको पता होगा कि पहले STE की लाइनअप गॉड लाइक की लाइनअप बिल्कुल सेम थी, मर्ज थी, कुछ कोलैबोरेशन था उनका जो कि अब नहीं है। एंड इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए गॉड एल नियो ने एंड जी गॉड ने भी बताया कि क्या सीन शॉट है PMGCU का। क्या सीन है गाइस, जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए किसी चीज़ का विश्वास ना करें। ऑफिशियली जब आएगा तब देखते हैं। हम रात को भी देख रहे थे ये PMGCU का, समझ ही नहीं हमको भी कुछ। इंक्रीज ब्राइटनेस है कि नहीं, कोच के ट्रायआउट चल रहे हैं गाइस अभी तक। पहले भी फिक्स नहीं था कोच, उसके ट्रायआउट ले रहे थे और अभी भी फिक्स नहीं है, ट्रायआउट ले रहे हैं। तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, समझ रहे। PMGCU का क्या सीन है पता नहीं यार, हम लोग का नाम डाल दिया है उन्होंने, पता नहीं यार सीन है। नहीं गाइस, इसके ऊपर कोई अपडेट आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एंड अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है सिड भाई की। तो रिसेंटली सिड भाई ने श्रीमान लेजेंड के ऊपर रिएक्ट किया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू उनके क्या थे वो आप सुन सकते हो। श्रीमान लेजेंड जेन्युइनली मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर आई एम अ बिग फैन ऑफ श्रीमान लेजेंड। आई वुडंट से आई एम अ फैन ऑफ सो मेनी क्रिएटर्स, मतलब बहुत कम लोग हैं। देयर आर क्रिएटर्स आई वॉच, देयर इज कंटेंट आई वॉच, बट श्रीमान लेजेंड इज समबडी आई रियली रियली लाइक एंड लुक अप टू एंड द काइंड ऑफ शिट ही पुल्स ऑफ। होप टू बी लाइक दैट समडे। आई एम ट्राइंग but hope to be like that someday, I think. But big fan of whatever he does and the fact that he's a Maharashtrian thoda sa dil ke kareeb hai, aisa wala wo feeling aata hai, mast lagta hai। अरे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है मॉडल भाई की। तो रिसेंटली मॉडल भाई ने एक मैंने वीडियो डाला है एंड उसके अंदर बहुत लोगों ने उनसे सवाल पूछा, क्या आपने ई स्पोर्ट क्विट करने के बारे में कभी सोचा है? एंड इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ये है। कर दो तो मैं बोलूंगा ऐसा मोमेंट कोई नहीं आया कि क्विट कर दो मुझे लगे, बट हाँ ऐसा जरूर आया कि एक अच्छा खासा लंबे ब्रेक पे चले जाऊं। मैं क्विट करने का कभी मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा इससे घर चलता है, इस काम से। कभी भी जब तुम्हारा घर चलता है किसी काम से, वो क्विट करने का तुम्हें कभी मन नहीं कर। मैंने अपनी नेक्स्ट न्यूज है स्नैक्स भाई की। तो रिसेंटली स्नैक्स भाई ने स्ट्रीम पे कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। 5 किलो और गेन कर लेंगे डब्ल्यू में, 15 किलो एम। और भाई मॉर्टल की शादी है, सोचो नॉर्थ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा इंडिया का मैप में जितने डिशेस आते ना मॉडल की शादी में रहेंगे, क्योंकि वो मॉडल है। 7 मिलियन उसकी शादी, कैसी अलग लेवल शादी रहेंगी, अलग लेवल। स्काउट भी है, स्काउट भाई कर रहे, मेरे को नहीं पता था यार, ये आप लोग बोल रहे, मैं मेरे मुंह से नहीं बोला। स्काउट भाई की शादी में तो एक साइड ऐसा अलग लेवल रहेगा और एक साइड 5 स्टार रहेगा। अरे काशी इंटरनेशनल डिशेस लेके आएंगे। देन गाइज ये एक्सपोज होने के बाद बहुत जगह ये इस चैट में स्पैम होने लग गया कि क्या सीन है, क्या सीन है। एंड रिसेंटली गोल्डी भाई ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए एंड साथ बाय साथ उनके स्काउट भाई भी थे, उन्होंने भी रिप्लाई दिया एंड उन्होंने स्काउट भाई को एक चीज़ के लिए अप्रिसिएट किया, वो आप सुन लो। जी भाई 5 बजे बचेंगे, आज अब उठा मैं, उठ के सीधा गेम में। यार स्काउट, हेलो हेलो वुल्वरहैम्पटन स्काउट बोले भाई, कल स्काउट भाई ने, कल स्काउट भाई ने चैट जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट वन ऑफ दी किया, SATL में आके SATL की वीडियो आके कल इसने पार्टिसिपेट किया। अभी तो एक बहुत सेक्सी वीडियो, अभी एक बहुत सेक्सी वीडियो प्लान किया है कल के लिए, देखना ये तो गांडफाड़ वीडियो है। हाय हाय, और ये कैसा नाम है, शिजुका विद बजुका, व्हाट द फक ब्रो, देखो नहीं पता क्या, बजुका ही तो लेके घूमता है। अरे स्नैक्स लीग भाई चैट बस करो, बच्चे हो गए तुम लोग, दिमाग से बच्चे हो गए थोड़े से, बड़े हो जाओ यार। यार दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, अपने घर में भले ही जो है वो छोटा बोले, 5 साल हो चुके यार, 5 साल उम्र है, बहुत बड़े हो चुके सब लोग, छोड़ दो यार इन चीज से बाहर आओ भाई। साक्षी ने जो गॉड लाइक को लीव किया है उस चीज के ऊपर रिएक्ट किया है एंड ये बताया है कि क्या साक्षी SATL को ज्वाइन कर सकती है या नहीं। नो, साक्षी नॉट जॉइंड एनीवेयर। अगर किसी ने क्रिएटर ने कहीं से छोड़ा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन गाइस अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है रैगल डॉस की। तो रिसेंटली रैगल डॉस ने कुछ लोगों से सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा जिद्दी और अपनी गलती ना मानने वाला ऐसे टूल के अंदर कौन है एंड फिर ये हुआ। तुम लोग SATL वालों को नहीं जानते, मेरे को समझ आ गया चैट। तुम लोगों ने, मैंने बोला कि दो बंदे ऐसे हैं जो कभी अपनी गलती नहीं मानते,
तुमने वहां पे कृतिका का नाम जोड़ दिया, जियान है आप लोग, और वहां पे तुमने, अच्छा तुम लोग स्काउट को भी ऐसे कह रहे, सब नाम नोट कर रहा हूँ मैं तुम लोग ये स्काउट के बारे में, ठीक है नहीं मानता वो अपनी गलती, बट ऐसे खुले में नहीं बोलते हम कभी भी, ठीक है जियान है आप, हाँ बे गलती तो कोई भी नहीं मानता भाई, नोटिस करूँ तुम्हें, सही कह रहे हो भाई, तुम्हारी गलती नहीं है साला, गलती कोई मानता नहीं है, माफिया माफिया भी कभी कभी मान लेता है, नहीं माफिया बोल देता है यार, भूल गया था यार, पूरा प्लान दिया आपने यार, अरे अनुज भाई यार मैं ढूंढ रहा था एक बार आपको, बट मिले नहीं, फिर देन गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू सून, राधे राधे।